सुबह उठा तो पपीस की मार हो रही थी। जो हमारा सबसे सुंदर ब्लू आइस वाला पपीता, उसको कोई मार के भाग गया। देखो बेचारा इतना क्यूट था, इसकी बहुत याद आया करेगी। बहुत दुख होता है जब हम किसी को पालते हैं और बड़ा करते हैं और वो आपको इस तरह से छोड़कर चला जाता है। फिर मैं घर से फावड़ा और नमक लाता हूँ, गड्ढा खोदकर इसको अंतिम विदाई देते हैं। इन मासूम को तो पता भी नहीं है कि इनका भाई चला गया इन्हें छोड़कर। मैंने इनके लिए इस तरह से जुगाड़ किया था जिससे बाहर न निकले, लेकिन इसको हटाकर ये रोड पर बाहर निकल गया था। और मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया था, चंपा कली। फिर मैं इन पपीज को खाना खिलाता हूँ और यहाँ अच्छे से गेट पर पत्थर लगाकर बंद कर देता हूँ। फिर घर आकर देखता हूँ ये वाली डोगी किसी और डोगी को भी साथ लाई है। फिर इनको खाना खिलाकर फार्म पर जाता हूँ। परेशान तो होता ही हूँ पपीज की वजह से। ट्यूबवेल चलाकर जब खेतों में पानी करता हूँ तो मेरा फोन पानी में गिर जाता है, सारा भीग जाता है। फिर जल्दी बाइक उठाकर मोबाइल वाले की दुकान पर जाता हूँ, इसको खोलकर हीट से सुखाते हैं और फिर भी ऑन नहीं होता है। ये सारा खराब हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में।